सगळ्यांना नमस्कार एंड हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वृषभ देवरे और मैं हूँ आपका फूडी होस्ट वृषभ देवरे। सो ओके, तो आज से होने वाला है फूड व्लॉग दिल्ली का शुरू। तो दिल्ली के पुरानी दिल्ली का पराठा, पुरानी दिल्ली के जितने भी जायके हैं इस व्लॉग से स्टार्ट होने वाले हैं, आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो मैं आया हूँ वो आया हूँ मैं पंडित बाबूराम के यहाँ पर फूड व्लॉग करने, जहाँ के पराठे बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो मैं आ चुका हूँ भाई लोग पंडित बाबूराम देवी दयाल पराठे वाले के यहाँ पे, जो कि 1889 से यहाँ पर जो पराठे के अपनी सर्विस है वो देते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है। तो ये जो है यहाँ पे इनका मेन्यू है, मेन्यू में पराठे, सादे पराठे के अलावा बहुत सारे इन्होंने इनोवेशंस कर रखे हैं, जैसे चॉकलेट पराठा, कैंडी क्रश पराठा, चटपटा मैंगो पराठा। तो ऐसे ही और पराठे इनके यहाँ पे हम ट्राई करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। नमस्कार भाई जी। नमस्कार। तो कब से आप यहाँ पे ये जो पराठे हैं वो बेच रहे हो? सर यहाँ तो पराठे बहुत काफ़ी सालों से बिक रहा है। अच्छा, दुकान को हो गया 130 साल। और आपको? हम लोगों का ज़्यादा दिन नहीं, ऐसे ही 16-17 साल हो गए। सही है, सही है। ये मैंने सुना है बहुत ही अलग अलग वैरायटी के आप पराठे बेचते हो। पहले रेगुलर पराठा आलू गोभी मूली था। हाँ। आज के डेट में हमारे पास 40 तरह के पराठे हैं। अच्छा, इसमें बहुत तरीके के स्पेशल पराठे आए हैं। जैसे पहले तो आलू गोभी मूली मटर पनीर गाजर पापड़ ये था। हाँ। आज के डेट में हमारे पास है पनीर तंदूरी। अच्छा। पनीर चंगेजी, पनीर हरियाली, आप देख सकते हो स्पेशल पराठे में लिखा हुआ है टोना टोटका, बहुत ही खास पराठा है टोना टोटका। टोना टोटका जी। अच्छा, उसके बाद है चीज पराठा, पेरी पेरी पराठा, पेरी पेरी पराठा। ये जो है ये मसाले सारे है ना? हाँ, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट मसाले हैं। हाँ। ये गाजर मटर ये पूरा मिक्स। हाँ। ये पनीर, ये आलू और ये क्या है? ग्रीन चिली। ग्रीन चिली, तो इस साथ के पराठे बनते हैं। हाँ। तो एक भैया टोना टोटका पराठा और एक कैंडी क्रश पराठा बनवा दो। ठीक है, ओके। मिर्ची, सबसे पहले मिर्ची आएंगे इसमें। हाँ, मिर्ची और फिर पापड़। अच्छा, ये मसाला है, सारे पराठे पड़ता है। अच्छा, नींबू, चेरी चेरी का मसाला, होता है नींबू और मिर्ची। और ये अभी बनेगा हमारा जो ये पराठा है वो, तो भैया सबसे पहले उसका गोला बनाएंगे। ये हार्ड रहता है ना, ये सॉफ्ट रहता है। वो ये हार्ड रहता है तो सॉफ्ट करने के लिए आप चलते हैं। हाँ। अच्छा, ये जो है देसी घी है ना? अच्छा, 31 सालों से। 130, बाप रे। तो ये जो है हमारा जो कैंडी क्रश है वो हो चुका है तैयार। अब ये जाने वाला है पराठे के अंदर स्टफिंग के लिए। ये क्या था? काजू है। काजू, अच्छा। ये हिंग जीरा पाउडर। हिंग जीरा पाउडर, नींबू। और जाएंगे ऊपर से रबड़ी। और इस पूरी स्टफिंग को
अच्छी तरीके से आटे के गोले के अंदर बिला जाएगा। हाँ ये क्या है? ये चॉकलेट। अच्छा चॉकलेट, वाह 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 वाह, एक नंबर। और ये करंजे की तरह इसका शेप है ना, करंजे की तरह शेप है इसका। करंजी क्या होता है? करंजी, करंजी नहीं पता हमारे महाराष्ट्र में, करंजी बोलते हैं ऐसे इसको। हमारे यहाँ गुजिया बोलते हैं इसको। गुजिया, गुजिया करेक्ट, गुजिया की तरह। यानी देसी घी के पराठे बहुत ही, यानी पहली बार मैं खाने वाला हूँ भैया। तो कैंडी क्रश पराठा, कैंडी क्रश पराठा। और ये जो मैंगो चटपटा हुआ, पनीर तंदूरी हुआ, चाप तंदूरी हुआ, पनीर मखनी हुआ, पनीर चंगेजी हुआ, ये सब नई नई वैरायटी खा ले अभी। अच्छा, बस इसी यूनिक वैरायटी के लिए हम बहुत दूर से आए हैं। जो पहली पहली पराठा होता है, टूना टूना पराठा, ये सब बहुत चलता है। पनीर तंदूरी, पनीर चंगेजी, पनीर बार्बेक्यू, चाप तंदूरी, चाप बार्बेक्यू, ये सब पराठा बहुत ही बेस्ट पराठा। इस टाइम 2023 का जो लॉन्च हुआ है पराठा, ये सब बहुत बढ़िया चल रहा है और बहुत ही फेमस हो रहा है। तो ये जो हमारा पहला पराठा कैंडी क्रश पराठा तो हो चुका है तैयार। टूना टूट का पराठा जो है हमारा, वो जाने वाला है पनीर। टूना टूट का पराठा, ये अलग अलग नाम कौन रखता है भैया? इसको हमने अच्छा अच्छा सही बात है। अभी आप खा के देखे हैं, अब आपको खाने से अगर अच्छा लगेगा तो आप कहेंगे भैया ये लॉन्च करो पराठा। तो जैसे हम कस्टमर को खाना खिलाते हैं नई पराठा, तो नया होगा, अगर उनको अच्छा लगता है तो भैया लगता है ये अच्छा पराठा है, ये जरूर चलेगा। तो हम 2-4 दिन 10 दिन महीना 15 दिन चला के देखते हैं, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो उसको बंद कर देते हैं। अच्छा जी, ऐसा है। तो दोनों हमारे जो पराठे हैं वो बनके हो चुके हैं रेडी, तो आप करेंगे उन दोनों को ट्राई। सो ऑलराइट, ये जो हमारा जो पराठा है दोनों भी हो चुके हैं बनके रेडी। तो हमको ये जो है केले की चटनी मिल चुकी है, साथ में आलू मटर की सब्जी, हरी चटनी, और यहाँ पर दही और मेथी और आलू की सब्जी, और ये सीताफल की सब्जी। और हमारे जो ये दोनों भी पराठे हैं वो भी मेरे पास है, तो अब करूँगा मैं इसको ट्राई। आलू और तो सबसे पहले ये जो है कैंडी क्रश वाला पराठा खा के देखूँगा मैं। सुपर, हरी चटनी के साथ भी ट्राई करूंगा। जो ये कैंडी क्रश वाला पराठा है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, इसकी अंदर की जो रबड़ी है ना, उसका पूरा का पूरा स्वाद इस लोग करके आता है। स्पेशली
ये जो हरी वाली चटनी है, और हरी बोलता हूँ, ये जो स्पेशली ये जो बनाना की चटनी है उसके साथ तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगे। और अब हम ट्राई करने वाले हैं जो जो हमारा चूना चूर का पराठा है वो। तो मैं सबसे पहले चूना चूर का पराठा का ट्राई करने वाला हूँ। चूना चूर का पराठा भी बहुत ज़्यादा सुपर है, एक अलग ही इसमें जो एक नमकीन टेस्ट आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। मैं और एक बाइट खाना चाहूँगा। जो आलू मेथी की सब्जी है उसके साथ ट्राई करूँगा। सुपर सुपर थम्स अप दोनों भी पराठे को थम्स अप। ऑल राइट, तो ये था आज का वीडियो। तो लोकेशन मैं बता देता हूँ, आप अगर दिल्ली में आओ तो पराठे वाली गली चांदनी चौक में सीधे आते ही जो कॉर्नर का पहला दुकान लगता है बस वही दुकान में आपको जाना है। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे पराठे मिलते हैं। सो ये था आज का वीडियो। इफ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल ऋषभ देवरे सब्सक्राइब करूँ, ध्यान लाइक और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगली वीडियो में।